मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी हिंदी स्वर पुस्तिका पेज नंबर 21 की पढ़ाई करने वाले हैं। बच्चों, अब तक हमने अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा की पढ़ाई की। आज हम पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों, ये अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा यानी कि स्टैंडिंग लाइन, छोटी की मात्रा यानी कि स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल, और बड़ी की मात्रा यानी कि स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की ओर हाफ सर्कल, है ना बच्चों? तो बच्चों, चलो अब हम प्रश्न पहला पढ़ते हैं। चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, मुझे कौन बताएगा ये क्या है? ये है ताला। क्या है बच्चों? ताला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त, त के साथ आ की मात्रा ता, ल से लट्टू लिखेंगे ल, ल के साथ आ की मात्रा ला, ता ला। क्या है बच्चों? ता ला। ये क्या है बच्चों? आम। क्या है बच्चों? आम। अ आ म, आम, आम। ये है छाता। छ, छ के साथ आ की मात्रा छा, त के साथ आ की मात्रा ता, छाता। ये है गमला। ग म ल के साथ आ की मात्रा ला, गमला, गमला। ताला, आम, छाता, गमला। प्रश्न दूसरा, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं। पहला अक्षर ग है, इसलिए यहाँ पर ग लिखा है। दूसरा अक्षर म है, इसलिए यहाँ पर म अक्षर लिखा है। तीसरा अक्षर ल है, इसलिए यहाँ पर ल लिखा है। और ल के साथ आ की मात्रा लगाई गई है, इसीलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा लगाई गई है। ग म ला। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? म, म। फिर हम लिखेंगे आ की मात्रा मा। फिर हम लिखेंगे ल, ल, ल के साथ ये आ की मात्रा ला, मा ला, मा ला। यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे न, न, न के साथ आ की मात्रा ना। फिर हम फिर से लिखेंगे न, न, न के साथ बड़ी की मात्रा नी, नानी। अब हम लिखेंगे त, ठीक है बच्चों, हमने त लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे? त के साथ बड़ी की मात्रा ती। फिर हम क्या लिखेंगे? त। फिर हम क्या लिखेंगे? र। ओके बच्चों, ती, त, र, तीतर, ती, त, र।